तो हेलो गाइस, मैं हूं रमेश आप दोनों बाइक अपडेटर। दोस्तों आप जो बाइक देख रहे हो ये बजाज विक्रांत बाइक है दोस्तों, जो 150 सीसी कैटेगरी अंदर आती है। तो इस बाइक में थोड़ी बहुत स्मोकिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ दोस्तों इसका इंजन का साउंड है वो अजीब तरह साउंड आपको देखने को मिल रहा है। आगे आपको साउंड सुनाऊंगा। तो जैसे आमतौर पर कोई भी बाइक 20 से 30 हज़ार या फिर 40 हज़ार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख किलोमीटर चल जाती है दोस्तों, तो उसके बाद उस बाइक के अंदर थोड़ी बहुत स्मोकिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है दोस्तों? उसका जो रिंग है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत गैप देखने को मिलता है, तो इस वजह जो इंजन है वो पिस्टन के ऊपर उठाती है, तो इसी वजह से बाइक का जो पिकअप है वहाँ पर गिरा हुआ देखने को मिल जाएगी, साथ साथ माइलेज में आपको कमी देखने को मिल जाए। तो अगर आपकी बाइक हल्का फुल्का स्मोकिंग करता है दोस्तों तो उसको सही करना, क्योंकि अगर उसको सही नहीं करते तो दोस्तों तो आपको जो साइलेंसर है वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि उसका साइलेंसर जो एग्जॉस्ट होती है दोस्तों वो पूरी तरह दब जाती है दोस्तों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, इस बाइक में थोड़ी बहुत स्मोकिंग का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो जैसे इस प्रकार आपको बाइक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए दोस्तों, तो आपको थोड़ी बहुत काम करना है। तो यहाँ पे आप साउंड सुन सकते हो इंजन का, ये जो आप इंजन का साउंड सुन रहे हो दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल इंजन में इस प्रकार कोई भी साउंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस बाइक के अंदर क्रैंकशाफ्ट में थोड़ी बहुत प्ले आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो 63,000 इस बाइक चल चुका है, यानी उससे ज़्यादा भी चल चुका है दोस्तों, यानी लगभग 70,000 मान के चले दोस्तों, यानी 70,000 इस बाइक चल चुका है। उसके बाद इस प्रकार प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। तो आइडल कंडीशन में इसका आवाज़ आप सुना दोस्तों, तो आप इसके बारी है दोस्तों इसका पिस्टन की हालत की। तो अगर इस पिस्टन की हालत की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गीलापन पिस्टन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पिस्टन जो है ये थोड़ी बहुत इंजन उठा रहा है, क्योंकि इसका जो रिंग है इसके आगे छोटा मोटा गैप आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी वजह से इस बाइक का जो इंजन है वो थोड़ी बहुत उठा रहा है, बाइक का माइलेज भी घट रहा है और पिकअप में कमी देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि आमतौर पर दोस्तों पिस्टन जो है वो आपको फ्रेश देखने को मिल जाएगा दोस्तों, तो या इस प्रकार गीलापन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस बाइक के साथ ऐसा नहीं है। ये जो पिस्टन है पूरी तरह से गीलापन आपको देखने को मिल जाएगा साफ साफ, ठीक है। अगर पिस्टन की बात की जाए तो पिस्टन यहाँ पर देख सकते हो कहीं से भी घिसा हुआ आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी ये पिस्टन सीज मारा नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ यही दिक्कत है इस पिस्टन के साथ, यहाँ पर थोड़ी बहुत इंजन उठा रहे हैं। तो अगर क्रैंकशाफ्ट की प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे मामूली सा प्ले आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये प्ले भी खत्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो इंजन में उस प्रकार नॉइस आपको देखने को मिल जाएगा, यानी सुनने को मिल जाएगा। तो इसीलिए तो दोस्तों आमतौर पे आपको ऐसी बाइक भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों जैसे 20 से 30 हज़ार के अंदर ही इस प्रकार प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन अगर बात की जाए तो एक बाइक की लाइफ की दोस्तों तो 1 लाख कम से कम आपको बाइक चलना चाहिए, क्योंकि 1 लाख बहुत सारा बाइक मैंने देखा है, 1 लाख चलने के बाद भी उस बाइक का कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिलेंडर आप देख सकते हो, सिलेंडर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, यानी कोई भी स्क्रैच आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सिलेंडर पूरा साफ सुथरी निकल है दोस्तों, इसके अंदर कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप एक बाइक को समय के अंदर सर्विस करते हो तो उसका लाइफ कभी भी कम नहीं होगी, उसका लाइफ बरकरार रहेगी, लेकिन आप समय के अंदर सर्विस नहीं करेंगे तो उसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो प्ले है क्रैंकशाफ्ट की वो आपके यहाँ आपको चेक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मामूली सा प्ले क्रैंकशाफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ये प्ले खत्म करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इस प्रकार प्ले बाइक होगी तो आपका बाइक उस प्रकार नॉइज करेगी। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं, अगर जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब शेयर कर दिए, मिलते हैं अगली कोई वीडियो में।